मुश्किल समय में विश्वास के लिए वचन। बाइबल वर्सेस अबाउट फेथ इन हार्ड टाइम्स। 20 वचन जो मुश्किल समय में आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। यीशु हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हमें परेशानी होगी, हालांकि वह यह भी वादा करता है कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी जीत है, क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। यदि आप कठिन और अनिश्चित समय का सामना कर रहे हैं, तो आपको यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपनी आत्माओं को उठाने के लिए बाइबल के वचनों का उपयोग करें। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डूबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है,
परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।